बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब मेरे प्यार प्यार व्यूज़ को, मेरे प्यार भर इस्लाम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने नहमतों और रहमतों के साय में रखे। और इस व्लॉग में आप मूसा की बर्थडे की प्रिपरेशन देखेंगे। मूसा एक साल का हो गया और उसकी बर्थडे हमने सेलिब्रेट की थी, और पहले मैं बाज़ार गई थी, और फिर आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा। और इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि सारी नई नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सकें। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। ज़्यादा शॉपिंग दरअसल ऑनलाइन कर ली थी हमने, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर जाने में दिक्कत हो रही थी और बाहर जाने में मसले मसाइल हो रहे थे, तो इसलिए आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं इनमें से ज़्यादा चीज़ें हमने ऑनलाइन ही बाय कर ली थी। बस बर्थडे वाले दिन हम केक लेने गए थे और वहाँ से हमने केक ले लिया था, और हमारे केक में भी ब्लेंडर हो गया था, क्योंकि हमारा थीम ब्लैक गोल्डन और वाइट था और हमारा केक जो है वो पिंक आ गया था। तो ये मसले मसाइल तो होते रहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बेकरीज भी इतनी खुली हुई नहीं थी और बाहर जाने में भी दिक्कत हो रही थी। ओ बम, ये क्या चीज़, ओ ऊपर वाली सबसे अलग है, ये मूसा की है ना। मैं तो येलो पहनूंगा, मैं तो ये वाली पहनूंगा, ये तो मूसा की है। हाँ, ये तो मूसा की है। 10 to 15 कैप्स बाय की थी, और ये कैप के साथ हम बैटरी से ही ले आए थे, और ये सारे बच्चों ने पहनी थी और वो बहुत एक्साइटेड थे कैप्स पहनने के लिए। और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाऊंगी कि सब बच्चे कैप्स पहन के कितने प्यारे लग रहे थे। आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करूंगी, और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और फिर आपसे मुलाकात होती है किसी नए व्लॉग में, तब तक आप अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।